शैम्पू तो हम सभी करते हैं, बट क्या प्रॉपर तरीके से? आपको पता है शैम्पू करके आप अपने बालों को, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर को स्टॉप कर सकते हैं, सफेद बालों को काला कर सकते हैं। तो प्रॉपर जो नेचुरल तरीका है, वो जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों। इसे जरूर प्रिपेयर करके अपने स्कैल्प पे, बालों पे लगाएं, जिससे कि आपको मिलेगा बहुत अच्छा सा रिजल्ट। मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ इस तरह से। आप जो भी शैम्पू लेते हैं आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए नेचर शेयर की जोंक शैम्पू है, उसे लिया है। 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक शैम्पू है दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और बहुत ही अच्छा सा इसका माइल्ड क्लींजर है, इसीलिए मैं इसे यूज करती हूँ। इस तरह से 2 बड़े चम्मच के तकरीबन मैंने शैम्पू लिया है दोस्तों। आप कौन सा भी शैम्पू यूज करते हो अपने घर में, अगर उसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने बालों के लिए यूज करना चाहते हैं ताकि आप अपने बालों को बचा सके सफेद होने से, तो वो शैम्पू को भी यूज करके आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर लीजिए। बस आप अपने बालों को यहाँ पे काला बना सकते हो, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने शैम्पू तो ले लिया है, अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एप्पल साइडर विनेगर लीजिए या फिर कोई भी विनेगर आप लेते हैं जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं, उसे ही हमें लेना है दोस्तों। और यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर विनेगर ले रही हूँ, ये शैम्पू के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, बालों की नेचुरल तरीके से सफाई करते हैं और साथ ही साथ बालों को ये नेचुरली ब्लैक करने का काम करती है। आप एप्पल साइडर विनेगर, जामुन का सिरका, किसी भी प्रकार का सिरका आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एप्पल का सिरका लिया है। सिरका काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, पहले के लोग भी सिरका का काफी इस्तेमाल किया करते थे और अपने बालों को वो काफी तेजी से लंबा और काला भी कर लेते थे। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस जामुन, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो सिरका यूज करते हैं आपको वही सिरका यूज करना है, ताकि आप अपने बालों के लिए काफी ज्यादा मजबूती और बालों को लंबे समय तक काला कर सके। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे 2 चीजों को तो ले लिया है। अब जो तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो है हम जो डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में, उसे हम कॉफी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉफी, कॉफी हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनाती है। जब आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे इसके अंदर, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके जो बाल हैं, हेयर फॉलिकल हैं, वो भी स्ट्रांग होते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट है कॉफी के, और ग्रेइंग हेयर से अगर परेशान हैं तो फिर इस रेमेडी को जरूर प्रिपेयर करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉफी का यूज कर रही हूँ कुछ 1 चम्मच के तकरीबन। देखिये 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉफी का इस्तेमाल करना है। और बालों को जब काला करने की बात आती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जटामासी। जी हाँ दोस्तों, जटामासी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लैक कलर की ही इसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो आपको ऐसे मार्केट से कोई भी एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं होती। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाया, लाइट भी चालू कर दी यहाँ पे, सॉरी लाइट अभी तक चालू नहीं थी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच के तकरीबन यहाँ पर जटामासी का यूज करूंगी। अभी आप मैजिक देखो, अभी आप ये रेमेडी आप लोगों के सामने ही देखिए किस तरह से ये मैजिकली इस तरह से ब्लैक में ये टर्न हो जाती है, और उसी तरह से ये आपके बालों को भी काला करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस रेमेडी को जरूर शेयर करिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, मैंने आप लोगों को लाइट ऑन करके दिखाया किस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से जो आपके बाल हैं वो भी ब्लैक होंगे दोस्तों। और इस तरह से इस शैम्पू को प्रिपेयर करके अपने बालों पे, जड़ों पे लगाएं। इसे कम से कम 20 मिनट जरूर लगा करके छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए, मीन्स आपको एक्स्ट्रा कोई शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, बस इसी शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना है, 20 मिनट तक रखना है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगी कि आप जो भी शैम्पू लेते हो वो माइल्ड होना चाहिए, एकदम क्लींजर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आंवला, रीटा, शिकाका, ये सारी चीजें भी चल जाती हैं। बस आपको कोई भी केमिकल वाली शैम्पू नहीं लेनी है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में आयुर्वेदिक शैम्पू मिल जाती है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप अपने शैम्पू में भी इन चीजों को मिला करके लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आई होप दोस्तों छोटी सी वीडियो पसंद आई, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए इस अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और ये जो नेचुरल हेयर क्लींजर है ये घर पे ही बना सके। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।